नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वाली भूल को ना दोहराते हुए मंकी पॉक्स महामारी को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा अभी ही कर दी है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एड्रोम गैब्रेसस ने हाल ही में गतिरोध को तोड़ा है और प्रकोप को PHEIC घोषित किया। ये पहली बार है जब WHO के महानिदेशक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के लिए अपने सलाहकारों को किनारे कर दिया। स्वतंत्र सलाहकारों की समिति ने भी हाल ही में इसको लेकर बैठक का आयोजन करवाया था, लेकिन इस निर्णय पर एक मत नहीं थे कि क्या बढ़ते मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कहा जाए, जो उच्चतम स्तर का अलर्ट है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। भारत में भी अब तक कई मामलों को दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों के मन में भी मंकी पॉक्स को लेकर डर सा बना रहता है और लोग इस बात को जानने के इच्छुक हैं कि मंकी पॉक्स के आखिर लक्षण हैं क्या क्या। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको मंकी पॉक्स के लक्षण के बारे में बताएंगे। हालांकि उससे पहले हम ये जान लें कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस एक मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। 1958 में ये पहली बार शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। इस वायरस का पहला मामला 1970 में रिपोर्ट किया गया, मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में ये रोग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार जो लक्षण अब तक पाए गए हैं उसमें देखा गया है कि मरीज बार बार तेज बुखार का सामना कर रहे हैं, पीठ और मांसपेशियों में दर्द से चिंतित है, त्वचा पर दाने और चकत्ते पड़ रहे हैं, खुजली की समस्या हो रही है, शरीर में सामान्य रूप से सुस्ती आ रही है। मंकी पॉक्स वायरस की शुरुआत चेहरे से होती है। संक्रमण आमतौर पर 14 से 21 दिन तक रहता है। चेहरे से लेकर बाजुओं, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर रैशेज होना, गला खराब होना और बार बार खांसी आना है। अब आप भी यही सोचेंगे कि तेजी से पैर पसार रही यह बीमारी आखिर फैलती कैसे है। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे में लोगों को शारीरिक संपर्क से बचा के रखना जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति या किसी व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण है तो उसे तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को इलाज पूरा होने तक खुद को आइसोलेट रखना चाहिए। मंकी पॉक्स वायरस त्वचा, आंख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ये संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून, शरीर के तरल पदार्थ या फिर फर को छूने से भी हो सकता है। WHO की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यूरोप में हाल के हफ्तों में हर हफ्ते नए मंकी पॉक्स के मामलों में वृद्धि की दर धीमी रही है। अधिकांश संक्रमण अभी भी उन पुरुषों में हो रहे हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। UK में 97% मरीज वही पुरुष है जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल के हफ्तों में महामारी में वृद्धि दर शून्य हो गई है या नकारात्मक भी हो गई है। परेशानी की बात फिलहाल यही है कि मंकी पॉक्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन चेचक का टीका मंकी पॉक्स को रोकने में 85% प्रभावी साबित हुआ है। मंकी पॉक्स को UK स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने इसे कम जोखिम वाला वायरस बताया है। ऐसे में सभी लोगों को यही सलाह दी जाती है कि बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि भारत में भी अब तक कई मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में आप भी अपना खास ख्याल रखें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।